बाजार में एक तरफ जहां प्राकृतिक फूलों की महक है तो वहीं दूसरी तरफ आर्टिफिशियल मालाओं से भी बाजार गर्म है। लेकिन प्राकृतिक फूलों की बाजार में मांग ज्यादा है। आपको दिखाते हैं संवाददाता विनोद जूनियर की पड़ताल में आर्टिफिशियल फूल मालाओं की बहार कैसे है। बाजार में गेंदे गुलाब के फूल की जगह जो मालाएं जो बनते हैं उनकी जगह और भी मालाएं यहाँ पर टंगी हुई हैं। वो हम आपको माला दिखाते हैं कि कौन कौन सी माला जो गेंदे का रूप ले चुकी है, यानी कि ये फाइबर है, प्लास्टिक की मालाएं हैं। देखिए आप, बिल्कुल रतलाम का गेंदे जैसा लग रहा है ये फूल माला। यहाँ पर झालरें टंगी हुई हैं तमाम, और ये देखिए जो बिल्कुल सिल्क टाइप के जो तार होते हैं सितारे, उसका ये बना हुआ है। और यहाँ से वहाँ भी देखिए, अगर नज़र उठा करके तो इधर भी आप जो है लंबी दूरी तक आप देख सकते हैं कि फूल मालाएं ही सब जगह टंगी हुई हैं। यानी कि ये बाज़ार पूरी तरह से इसमें सजा हुआ है और लोग इनकी भी ख़रीदारी खूब अच्छी तरह से करते हैं। तमाम देखें, जिधर देखें सब जगह एकदम झालर, ये माला, नई नई मालाएं टंगी हुई हैं ये। ज़रा दुकानदार इनसे पूछते हैं, ज़रा कितने कितने की है, क्या 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 खरीद रहे हैं लोग आज? मालाएं खरीद रहे हैं, बंदरवान, स्टिकर वगैरह ये सब चीज़ें खरीद रहे हैं, क्योंकि दीपावली पर लोग अपने लक्ष्मी पूजन के लिए स्टिकर वगैरह और बंदरवान, रंगोली वगैरह, रंगोली कलर्स, चलनी वगैरह ये सब चीज़ें लेते हैं। ये सब क्या है, ये जो टंगा हुआ है ये सारी चीज़ें क्या है? ये के लिए मालाएं जाती हैं गणेश लक्ष्मी जी को पहनाने के लिए। ये वाली माला भी लोग खरीदते हैं जो इधर टंगी हुई, सारी मालाएं जो इधर टंग रही हैं ये भी खरीदते हैं? ये दरवाजे पे लगाने वाली लड़ियां होती हैं। ये आर्टिफिशियल है? हाँ, क्योंकि बहुत से लोग गेंदे की मालाएं नहीं लेते हैं क्योंकि वो खराब हो जाती हैं जल्दी। ये क्या है, परमानेंट लगी रहती है इस वजह से। यानी कि ये स्टिकर और लोग खरीदारी कर रहे हैं। आप देखें यहाँ पर, ये है स्टिकर लक्ष्मी गणेश की, ये मूर्तियाँ हैं देखिए ये, और इसके साथ ही ये स्टिकर देखिए आप, श्री महालक्ष्मी नमः लिखा हुआ है, कुबेर यंत्र का, इसको भी लोग लेते हैं। ये क्या चीज़ है? ये कुबेर यंत्र है, इसका ज़्यादा क्रेज रहता है। अच्छा, इसको लोग ज़्यादा खरीदते हैं, हैं? ओके, तो आज देख रहे हैं आप जो है, यानी कि इसकी भी खरीदारी हो रही है बाजार में। अच्छा जी, माता लक्ष्मी जी के पूजन के लिए कस्टमर पोशाक वगैरह, गोमती चक्र है, कौड़ी है, हल्दी की गांठे हैं, सूखा धनिया होता है, शावोत, ये सब चीज़ें लेते हैं। और इधर ले चलते थोड़ा बाजार की तरफ जो है, इधर भीड़ आ रही है, इधर भी देख लेते हैं ज़रा इधर क्या बिक्री हो रही है। आप दिखाएं इधर की तरफ, देखिए पूरी तरह से बाज़ार इस समय सजा पड़ा हुआ है। आप जितनी दूर नज़र उठा के देखेंगे आपको, उतनी दूर आपको पूरी तरह से बाजार सजा हुआ पड़ा रहा है, मिलेगा आपको। यानी कि और इसके साथ साथ आप देखें, चूँकि ये लक्ष्मी गणेश की मूर्ति यहाँ लोग खरीद रहे हैं, आप लोग यहाँ देखिए पूरा जो है सजा पड़ा हुआ बाज़ार, रंग बिरंगी मालाओं से सजा पड़ा हुआ है। अरे ये कहाँ ले जा रहे हो आप लोग, क्या ले रहे हो, ये क्या है? ये पूजन के लिए लेके जा रहे हैं। क्या इनको सामान को? झाड़ू? तो झाड़ू तो लोगों ने कल ही खरीद लिया। नहीं तो हमने तो आज खरीदा है ना, कल का है। अच्छा, ये आज का झाड़ू है, ये पूजा करेंगे इसकी। अच्छा, बहुत खुश लग रहे हो आज? वो तो है ही, दीपावली है ना, इसलिए सभी खुश रहते हैं। इसमें क्या क्यों मनाते हैं दीपावली? अच्छी लगती है दीपावली, होली से ज्यादा अच्छी लगती है दीपावली। मनाते क्यों, ये बताइए क्यों मनाते? क्यों राम सीता घर आए थे वनवास काट के, इस खुशी में। ये मतलब पूरा बाजार इस समय जबरदस्त तरीके से सजा हुआ है और हर तरफ रौनक ही रौनक बाजार में दिखाई दे रही है। लोगों की ज़्यादा खरीदारी, लोग जो है इस समय ये फूल मालाओं कर रहे हैं। देखिए आप कितना अच्छा कलरफुल ये फूल माला है, आप देखिए इसमें ग्रीन कलर है, ऑरेंज कलर है और येलो कलर है, पिंक कलर है, रानी कलर है, इस एक सारे कलर इसके अंदर देखिए आप यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ आपको ये भी दिखाएं कि पटाखे देखिए आप, ये जो दुकानें हैं ये आप देख रहे हैं, ये पिस्टल यानी कि नकली चाइना के प्लास्टिक के पिस्टल है ये देखिए कितने जब अच्छे अच्छे पिस्टल हैं ये सब बच्चों की खेल खिलौने सामान यहाँ पर दीपावली के अवसर पर बिक रहे हैं। क्या करने आए आप बाज़ार में? दिवाली का सामान खरीदने। अच्छा, क्या क्या खरीदना है आपको? सब कुछ तो ले लिया, प्रसाद ले लिया, फोटोज लेनी है भगवान जी की और मोमबत्ती। तो दिवाली के लिए बहुत खुश लग रहे हो आप भाई? हाँ क्यों नहीं, दिवाली है, राम जी का त्यौहार है, लक्ष्मी गणेश जी की पूजा होती है। क्यों मनाई जाती है दिवाली, क्यों मनाते लोग इतनी खुशी से? दिवाली में रामचंद्र जी रावण को मार करके अयोध्या जी लौटे थे, बहुत खुशी की बात थी अपनी पत्नी को लेकर के। तो आप भी खुश है? बिल्कुल, बहुत खुश है। तो देखिए हर किसी को पता है कि भगवान श्री राम लंका में राजा रावण को मार कर जब आए थे, जब अत्याचार किया था रावण ने, उसके बाद जब अयोध्या लौटे, तो अयोध्या लौटने के बाद जो है त्रेता युग में ये दीपावली का
त्यौहार शुरू हुआ और आज इस त्यौहार ने विस्तृत रूप ले लिया है। हर तरफ चकाचौंध बाजार में है, जिधर भी आप नज़र उठा कर देखें उधर भी लोगों के चेहरे पर खुशियाँ हैं। लोगों को पता है कि हम त्यौहार क्यों मना रहे हैं और बाज़ार में नए नए तरीके के आइटम आते हैं इस त्यौहार के ऊपर, तो हज़ारों लाखों लोगों को रोज़गार मिलता है, इसलिए लोग त्यौहार और हंसी खुशी साथ मनाते हैं और सभी लोगों को हंसी खुशी साथ एक साथ मिलकर इस त्यौहार को मनाना चाहिए। बाज़ार में ज़बरदस्त भीड़, ज़बरदस्त रौनक, लोगों के चेहरे पर खुशी साफ नज़र आ रही है दीपावली के त्यौहार को लेकर। कैमरा पर्सन मनोज साध, विनोद जूनियर, सी न्यूज़ आगरा।